नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। फिल्म काकुड़ी में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप पूरे परिवार के साथ 9 बजे का सर्व गुण संपन्न की तरह सर्व न्यूज संपन्न शो देख रहे होंगे। सर्व न्यूज संपन्न इसलिए क्योंकि यहां भारत से लेकर दुनिया जहान की सभी जरूरी खबरें आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये शो देख लिया तो समझिए आपने आज की खबरों का पूरा निचोड़ देख लिया। तो शुरू करते हैं आज की खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। पहली बड़ी खबर, आज का दिन जो है, आज का दिन राहुल गांधी के संसद वाले 100 तूफानी मिनटों का दिन है। आज उनके अंदाज में सियासत की आग थी। अपने 100 मिनट के संवाद में वो ऐसे बोले कि पीएम मोदी क्रोधित हो गए और अपनी सीट से खड़े होकर उन्होंने आपत्ति जताई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? राहुल ऐसा क्या कुछ बोल गए और दिखा गए कि इसके बाद सिर्फ संसद ही नहीं बल्कि अयोध्या से लेकर काशी तक के संतों ने उनके खिलाफ विरोध प्रकट किया। यह आपको जरूर देखना चाहिए। दूसरी खबर, 3 विस्फोटकों की खबर से जुड़ी हुई है। एक विस्फोटक जिससे सेना को शक्ति मिलती है, एक विस्फोटक जो समाज में बारूदी बुद्धिजीवियों की देन है, जिससे समाज में जहर घुलता है, और बंगाल जैसे राज्य में महिला की पिटाई पर मिनी मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठती है। और तीसरी विस्फोटक स्थिति फ्रांस में है, जहां चुनावी हिंसा के बीच लोगों को हिटलर की भविष्यवाणी याद आ रही है, जिसमें हिटलर ने कहा था कि 40 साल बाद फ्रांस मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। और तीसरी खबर अपने आप में एक सवाल है कि क्या अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन की दिमाग की बत्ती शाम 4 बजे के बाद गुल हो जाती है? ये हम नहीं कह रहे बल्कि व्हाइट हाउस के कर्मचारियों का दावा है। उनकी उम्मीदवारी पर अब डेमोक्रेटिक पार्टी में ही सवाल खड़े हो रहे हैं। चौथी खबर, भारत के T20 विश्व विजेता बनने के बाद पाकिस्तान की बेचैनी पर है। टीम इंडिया के धुरंधरों को इनाम के तौर पर 145 करोड़ मिले हैं। दो कंगाल पाकिस्तान के लोग परेशान हो गए और वहां रोने धोने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। वहां से कुछ वीडियोस हमारे पास आए। पांचवी खबर, ध्यान से देखिए, यह एक बहुत बड़ा ऐलान है, देखकर आप समझ गए। गोलगप्पे के प्रेमियों से जुड़ी हुई यह खबर है। सड़क किनारे चाट कॉर्नर पर पूरे परिवार के साथ गोलगप्पे का आनंद लेने वालों को आज हमारी यह खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि गोलगप्पे के पानी में कैंसर के तत्व पाए गए हैं और जांच में सैंपल फेल हो रहे हैं। फिक्र आपकी में सबसे पहले बात एक तूफानी पारी की जो संसद में देखने को मिली है। वैसे तो T20 वर्ल्ड कप में आपने बल्लेबाजों की कई आतिशी पारियां देखी होंगी, लेकिन कोई भी बल्लेबाज शतक नहीं लगा पाया। हालांकि संसद वाली राजनीतिक पिच पर आज 100 मिनट की एक तूफानी और शतकीय पारी देखने को मिली, और यह पारी खेली है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यह उनकी पहली स्पीच थी। राहुल गांधी की पारी में हिंदू, डर, नफरत, संविधान वाले कई शॉट शामिल थे। हम उनके हर एक सियासी चौके छक्के के मायने आपको बताएं, लेकिन पहले 130 सेकंड में बतौर नेता प्रतिपक्ष संसद में राहुल गांधी की शतकीय पारी देखिए। जय महादेव, जय महादेव। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। आप हिंदू हो ही नहीं, आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, परमात्मा स्पीक्स टू मोदी जी आत्मा डायरेक्टली। बोलने का तरीका आना चाहिए। सर नमस्कार। 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है, मैं क्या करूं, हो जाता है वो। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करते हैं। सर गलत नहीं है सर, ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है माननीय। राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की, और मोदी जी बैठे हैं मुस्कुराहट नहीं, सीरियस। वही कहानी गडकरी जी की है, अरे भाई अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। समझा नहीं पा रहा हूँ। समझदार हैं आप सब, चुनकर आते हैं। भगवान का मैसेज आया होगा,
मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए, नोटबंदी कर दिया कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। राहुल गांधी आज फुल फॉर्म में थे। वो मोदी सरकार को घेरने के लिए अपने साथ भगवान शिव की तस्वीर लेकर आए थे। भगवान शंकर के अलावा वो अपने साथ गुरु नानक देव जी की और जीसस क्राइस्ट की तस्वीर भी लेकर आए थे। राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान सबसे पहले भगवान शिव की तस्वीर दिखाई और कहा कि मैं अपने भाषण की शुरुआत आरएसएस के दोस्तों को हमारे आइडिया के बारे में बताने के साथ करने जा रहा हूं। इतना कहते ही संसद में हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें सदन का नियम बताया, 352 की व्याख्या दी, कहा कि सदन नियम से चलना चाहिए, किसी भी चिन्ह या प्ले कार्ड को सदन में नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया, क्या इस सदन में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? आप बस ये बता दीजिए। राहुल ने आगे कहा, अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे इनसे प्रोटेक्शन मिली है लेकिन आप मुझे रोक रहे हैं, इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता हूं। राहुल आगे बोलते रहे, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, इसका कारण यह है कि हिंदुस्तान अहिंसा का देश है, यह डरता नहीं। फिर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर ऐसा अटैक किया कि पीएम मोदी क्रोधित हो उठे, सीट से उठ खड़े हुए। उन्होंने हिंदू समाज को हिंसक कहे जाने पर आपत्ति जताई। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं। विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य।